गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सीरियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित एक नए चैप्टर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है जन संचार माध्यम। आपके पाठ्यक्रम में जन संचार के कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अगर फ्यूचर में वह मीडिया के क्षेत्र में अगर अपना कार्य करना चाहता है, अपने मीडिया के क्षेत्र में रह करके या संपादकीय मंडल में रह करके अपने आप को अगर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, तो इन टॉपिक्स पर चर्चा और विश्लेषण करके जानकारी प्राप्त करके उस एरिया में, उस क्षेत्र में अपने आप के भविष्य को बना सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जनसंचार माध्यम के पढ़ने से पहले हम लोग जनसंचार के विषय में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि जनसंचार होता क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि संचार करना मनुष्य का एक अभिन्न अंग होता है। संचार का जो इतिहास रहा है, वो मनुष्य इस दुनिया में जब से आया है, इस पृथ्वी लोक में आया है, तब से वह संचार की प्रक्रिया कर रहा है। सृष्टि के आविर्भाव होते ही इस संसार का प्राणी एक दूसरे से अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, अपने अंदर के दुख, अपने अंदर के इच्छाओं को, अपने अंदर के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। तो यही लोगों द्वारा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संदेश को एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। संचार की प्रक्रिया में मनुष्य अपने आसपास, अपने घर, अपने लोगों से अपने मन के विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और दूसरों के विचारों, दूसरे के संदेशों और दूसरे के भावों को समझता है। अब वह संचार मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, अनेकों प्रकार की मुद्राओं के माध्यम से ही वह संचार प्रक्रिया करता है। और यही संचार जब अपने स्तर से बढ़ करके एक विशाल समूह की ओर बढ़ जाता है, या कह सकते हैं कि जब संचार अधिकतम लोगों में, अर्थात दुनिया के कोने कोने तक संदेश का आदान प्रदान होता है, तो वही संचार जन संचार माध्यम कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है।
अर्थात जब कोई संदेश या कोई भी सूचना या कोई भी भावनाएं, कोई विचार की अभिव्यक्ति एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से अनेक लोग, अनेक लोग से देश दुनिया तक पहुंचती है तो वही संचार हमारा जन संचार कहलाता है। अर्थात एक शब्दों में कह सकते हैं कि संचार एक प्रकार से प्रक्रिया है, जन संचार एक प्रकार से प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संदेश को, विचार को, भाव को अपने से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से अनेकों तक और अनेकों से एक साथ लोगों तक दुनिया के किसी कोने में विचारों को, संदेशों को पहुंचाते हैं इस जन संचार प्रक्रिया के द्वारा। अब जब जन संचार बात क्लियर हो गई तो हम आते हैं माध्यम। माध्यम जो शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द मीडिया के पर्याय या समानांतर ही प्रयोग हो जाता है, है ना? अर्थात कह सकते हैं कि जब सूचनाओं का आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान जन संचार तक जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उन माध्यमों को ही हम जन संचार माध्यम कहते हैं। सपोज दैट, मान लिया हमें कोई भी संदेश एक साथ अपने देश विदेश तक पहुंचाना है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष है तो वह आपके समक्ष आप बाई फेस उससे बात करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देंगे, परंतु दूर दराज तक बैठे हुए मानवों को, दूर दराज बैठे व्यक्तियों को किस प्रकार से आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति पहुंचाएंगे, अपने विचारों को पहुंचाएंगे, तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उस जिस माध्यम के द्वारा हम उस जन समूह तक अपनी बात को पहुंचाते हैं उसी माध्यम को ही जन संचार माध्यम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपना टॉपिक्स समझ में आता है कि जन संचार माध्यम है, है ना? तो और यह जन संचार की विशेषता यह थी कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में विकसित कर दिया है, है ना? और आज हम घर बैठे किसी भी सूचना को घर बैठे हम प्राप्त कर ले रहे हैं, या घर बैठे ही हम अपनी सूचनाओं को, अपने संदेश को देश देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यह किसके द्वारा संभव हुआ है? जन संचार माध्यम के द्वारा ही संभव हुआ है। तो कुल मिला करके हम लोगों को ध्यान यह देना है कि जो भी जन संचार माध्यम हैं उन्हीं को हमें आप लोगों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आते हैं जन संचार माध्यम के कितने प्रकार हैं या कितने रूप हैं। तो जन संचार माध्यम के दो रूप आपको मिलेंगे। पहला तो परंपरागत रूप और दूसरा आधुनिक, ठीक है? तो परंपरागत जो रूप है
अर्थात जो परंपरा से चले आ रहे जो हमारे जनसंचार हैं, माध्यम हैं, उन्हीं को हम परंपरा अर्थात प्राचीन काल से, जब से ये सृष्टि का आविर्भाव हुआ तब से लेकर के आज तक जो भी आपके प्राचीन काल से चले आ रहे संसाधन हैं संचार के, उन्हीं को हम लोग जन संचार माध्यम अर्थात परंपरागत जन संचार माध्यम कहते हैं। और जन संचार माध्यम को लोक माध्यम भी कहा जाता है। लोक माध्यम क्या होता है, अर्थात इनकी शुरुआत जो लोक में अर्थात जो लौकिक जीवन में चल रहा है उसके द्वारा जो भी माध्यम है वे आपके लोक अर्थात लोगों के बीच के जो माध्यम थे, जिस प्रकार से एक क्रियात्मकता के द्वारा एक नाटकीय प्रस्तुति के द्वारा जब विचारों के व्यक्त की जाती थी तो वो लोक परंपरा के माध्यम से चर्चा होती है। अब जरा हम देखें तो परंपरागत जो साधन हैं वो सांकेतिक माध्यमों के द्वारा होती है। सबसे पहले संचार का जो माध्यम ही था वह सांकेतिक था, क्योंकि उस समय तक हमारे इतिहास में आप उठा के देखें तो जो प्राचीन काल का इतिहास है अर्थात कहें आदिमानवों के काल का इतिहास है, तो उस समय तक शिक्षा का इतना कोई सरोकार नहीं था जिससे कोई मौखिक भाषा या बोल चाल करके भाषाओं का संचार के माध्यम में प्रयोग किया जाता। तो आदि मानवों के काल में गुफाओं की दीवारों पर, है ना, गुफाओं की दीवारों पर आप ध्यान दीजिए कि गुफाओं की दीवारों पर क्या किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे, चित्र बना दिए जाते थे जिसके माध्यम से देख करके संचार माध्यम हुआ करता। जैसे इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्राचीन काल के इतिहास में आपका कुछ ऐसा पार्ट है आदिमानवों का जो पाषाण युग है, उस पाषाण युग का कोई लिखित इतिहास आप लोगों को नहीं मिलता है, वह केवल साक्ष्यों के आधार पर ही हम उस तत्कालीन समय के सामाजिक इतिहास को, सामाजिक दार्शनिक और उनकी जीवन शैली को समझ सकते हैं। तो गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरा जाता था और गुफा चित्र मानव समाज और संचार माध्यमों के उत्तरोत्तर विकास की गाथा भी कहते हैं। अर्थात फिर इसके बाद जब हम इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं तो लिपि का ज्ञान हो गया, ठीक है, और लिपि का आविष्कार हुआ तो संचार व जनसंचार के, है ना, क्षेत्र में एक नई दिशा प्राप्त की, जिसके अंतर्गत आप लोग आएंगे तो वन जीवन, शिकार जीवन, कृषि जीवन, सामाजिक जीवन इत्यादि इत्यादि करते हुए, है ना, अपने नृत्य संगीत कथाओं इत्यादि के माध्यम से, है ना, संचार के परंपरागत माध्यमों की श्रेणी में जुड़ने लगे। अर्थात कह सकते हैं कि नृत्य और काव्य भी जनसंचार की परंपरागत माध्यमों की श्रेणी में जुड़ गए, और वह संभव कब हुआ, जब लिपि का ज्ञान हुआ। इसके बाद
अजंता और एलोरा की गुफाओं में, ध्यान दीजिए है ना, अजंता और एलोरा की गुफाओं में अगर आप लोग जाएं तो ध्यान देंगे कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में मूर्तिकला, गुफाओं में चित्रकला, आदिवासी नृत्य संगीत, प्राचीन स्थापत्य कला और उसके साथ साथ संचार के प्रारंभिक माध्यमों में संगीत को संचार के शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत, भरतनाट्यम, कचपुड़ी, कठपुतली का खेल, कथकली, मणिपुरी इत्यादि जो लोक संगीत हैं उनके माध्यम से भी हम अपने जन संचार माध्यम को देखते हैं। आप देखें कि भरतनाट्यम, कचपुड़ी, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, यक्षगान जैसे विविध नृत्यों ने संपूर्ण भारत को भावात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एकजुट रखा और ये क्या था, जन संचार माध्यम का ही काम करता रहा और भारतीय समाज में संचार के लोक माध्यम भी निरंतर प्रभावशाली भूमिका निभाते आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक रूप में आप देखेंगे तो आप देखें तो नाच, स्वांग, रामलीला, हरिकथा, कीर्तन, कव्वाली इत्यादि इत्यादि जो थे वह ग्रामीण समाजों में जन जागरण के सशक्त माध्यम थे, है ना। आप देखें कि खेल तमाशा इत्यादि, स्वांग इत्यादि, कठपुतली का खेल इत्यादि, जो रामलीला, हरिकथा, कीर्तन ये क्या करते थे, ग्रामीण समाज में जन जागरण के एक सशक्त माध्यम कहलाए गए। इसके द्वारा समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूती का एक माध्यम प्राप्त होता था। इसके द्वारा समाज में रहने वाले लोगों का सामाजिक स्तर और सांस्कृतिक स्तर मजबूत होता था। इसके बाद आप आ जाएं शहरी और ग्रामीण समाज में समान रूप से मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं उत्सव भी व्यक्ति समूहों, समुदायों और क्षेत्रों के मध्य संचार माध्यमों की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उत्सव में होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, गणेश उत्सव इत्यादि इत्यादि, दुर्गा पूजा, संक्रांति, वैशाखी, जो भी त्यौहार आपके आते हैं वे सब आप लोगों के सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कृषि क्रियाकलापों और ऋतुओं के साथ हमें गहरा संबंध रखते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारे इत्यादि साधन थे, आपके भारत के कृषि प्रधान समाज में संचार के इन पारंपरिक माध्यमों ने, इन पारंपरिक माध्यमों ने जहां समाज को मनोरंजन दिया वहीं पर जीवन को संगीतमय बनाया, उनकी चेतना को गति भी प्रदान की, उसे व्यवस्थित और परस्पर सहयोग आधारित जीवन बिताने की दिशा भी दिखाई, इस प्रकार से सामूहिक जीवन का संदेश दिया। अर्थात कह सकते हैं कि हमारी जो प्रारंभिक या पारंपरिक जो जन संचार के माध्यम थे वे लोगों को एक
संगीत में सांस्कृतिक और एकता परक जीवन जीने की एक ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, संचार करते थे, जिसके माध्यम से उनसे सीख लेकर के हर मानव अपने जीवन को एक नई दिशा देता था। अब इसके बाद आप लोगों का आता है आधुनिक जनसंचार माध्यम। आधुनिक जनसंचार माध्यम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। आज की क्लास यहीं तक। सभी स्टूडेंट एक बार सही से पढ़ लेंगे, जान लेंगे। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप तुरंत आप कॉल करके या मैसेज द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।